अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और अच्छे से होंगे। तो आज 3 दिसंबर है, तो ये वीडियो है 2 दिसंबर का। तो यहाँ पे था नेशनल डे और हम लोग गए थे, बाहर गए हुए थे। तो वैसे भी यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही है, बहुत लंबी छुट्टियाँ चल रही है। हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो ज़्यादा कुछ ऐसे टाइम नहीं मिल रहा है मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि पूरा फैमिली टाइम चल रहा है। हम लोग पूरा मतलब घर से जब निकलते हैं दोपहर से, तो शाम तक रात तक हम लोग बाहर ही रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा। और घर पे आने के बाद हम लोग को बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी भी है, आप लोग को पता है। तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, मतलब नहीं डाल अपलोड कर पा रही हूँ। और तो ये 2 दिसंबर वाला वीडियो है छोटा सा, तो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो हम लोग गए थे दुबई मॉल, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे। बच्चे तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं तो काफ़ी बार देख चुकी हूँ, और बच्चे फर्स्ट टाइम जाएंगे अंदर दुबई मॉल, घूम लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए ऊपर से मेट्रो जा रहा है, तो इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो जी बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन आज गज़ब की ट्रैफिक है। हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि छुट्टी वाला दिन है तो लोग घर पे रहेंगे, लेकिन लोग घर पे क्यों रहेंगे, आज 2 दिसंबर है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहते हैं, सेलिब्रेशन का टाइम है, बाहर घूमते फिरते हैं लोग यहाँ पे। और दुबई मॉल के पास, बुर्ज खलीफा के पास तो रश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत रश थी, बहुत ट्रैफिक था, बहुत टाइम लगा यहाँ पे, कम से कम ना एकदम गाड़ियाँ ऐसे रेंग रेंग के चल रही थी, इतना ट्रैफिक था। तो हम लोग को बहुत टाइम लगा यहाँ से सिर्फ अंदर पहुँचने के लिए। तो जैसे तैसे हम लोग ट्रैफिक से निकले और अंदर पहुँचे, और गाड़ी हमने लगाई पार्किंग में, और ये हम लोग लिफ्ट के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, कितने सारे 2-3 लेवल हैं यहाँ पे पता नहीं, बहुत परेशानी होती है। हम लोग फर्स्ट टाइम भी आए हैं तो बहुत हम लोग को मुश्किल लगी यहाँ पे, ना इंसान घूम जाए, इतना बड़ा मॉल है, इतनी बड़ी जगह है। और ये मेरा फहद कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कंदूरा पहना हुआ है आज। तो ये हम लोग लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और हम लोग पहली बार भी आए थे ना, तो हम लोग बहुत यहाँ पे एकदम परेशान हो गए थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो यहाँ पे तो वैसे सब इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं कि यहाँ पे जाना है ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, इंसान यहाँ पे परेशान हो जाता है। तो देखिए हम लोग लिफ्ट के लिए यहाँ खड़े हैं, तो फाइनली हमें पता चल गया कि कौन से लेवल पे जाना है, कहाँ से हमको फाउंटेन शो वगैरह मिलेगा। तो देखिए ये मॉल के अंदर का है, लेकिन आज तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब शॉप्स वगैरह तो दिख ही नहीं रही थी कि कुछ है भी, सिर्फ लोग ही दिख रहे थे, इतनी भीड़ थी। तो ये तो जो आपको दिख रही बहुत कम है अंदर, और जैसे हम लोग पहुँचे और ज़्यादा भीड़, पता नहीं पूछो नहीं, जैसे ऐसा लग रहा था हम VT स्टेशन पे आ गए इतनी गर्दी थी। तो आज का दिन काफ़ी भीड़ वाला था। तो यहाँ हम लोग मॉल तो इतना कुछ घूमे नहीं, हम लोग सीधा पहुँच गए फाउंटेन की तरफ, ताकि फटाफट से शो शुरू होने वाला था। तो देखिए ये इनका नेशनल डे का लगाया हुआ था इस पर, बुर्ज खलीफा के ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे फाउंटेन शो शुरू हो चुका है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर आधे घंटे पे यहाँ पे ये शो होता है, और इसका म्यूज़िक चलता है, और ये पानी बहुत खूबसूरत लगता है नज़दीक से, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करे तो मैं यहीं बैठी रहूँ और हर थोड़ी देर में ये शो देखती रहूँ। बच्चों ने भी बोले कि कल जो घूमने गए वो सारी चीज़ों में हमको वो शो, फाउंटेन शो ही बहुत खूबसूरत लगा। फ्री है, कोई टिकट नहीं है, आराम से आइए, बैठिए, देखिए, मज़े लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा पार्क की तरफ बना हुआ है बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ के तो आप और आराम से बैठ के देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे गुजर जाता है दुबई मॉल आने के बाद। हाँ, लेकिन मेरे फहद बहुत डर गया था, मतलब ये जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, वो पानी स्टार्ट हो गया ना पूरा, तो मेरा फहद उस्मान बहुत देख के डरने लगा, वो एकदम रोने लगा, वो पूरा टाइम रो रहा ही था। मैं सोची थी कि अच्छे से इंजॉय करेगा, देखेगा, और फहद उस्मान अपना फ्लैग वगैरह सब लेकर गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से वीडियोज़ वगैरह बनाएगा, लेकिन उसको देख के डर लगने लगा और वो उसका मूड ही ख़राब हो गया और वो बस रोने लगा।
देखिए फहद का चेहरा कितना डरा हुआ है, एकदम डर गया है वो देख के, बार बार गोदी में आ जा रहा है, थोड़ा भी नीचे नहीं उतर रहा है। बाकी सारे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं लेकिन फहद डर चुका है और डर के इतना रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, उसको ज़रा भी मज़ा नहीं आ रही है और ना वो वीडियो में ठीक से आ रहा है ना फ़ोटो में ठीक से आ रहा है। देखिए कैसे रो रहा है। और यहाँ रेहान फरहान एकदम इंजॉय करते हुए, और देखिए लास्ट में जब सब बंद हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा इसको मूड आया और थोड़ा सा इसने ऐसे ऐसे फ्लैग हिलाई और मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बना ली, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो में। और ये कंदूरा पहन के मेरा शेख साहब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और किस तरीके से घूम रहा है और लोग इतने देख देख के इसको खुश हो रहे थे, कुछ लोग तो फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए इसके साथ में। तो ये पहली बार पहना है, बहुत क्यूट बहुत प्यारा। इसके डैडी बोले मैं इसके लिए और 3-4 कंदूरे ले ला दूँगा क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था इसमें। तो देखिए माशाल्लाह से, देखिए ये बैठने के लिए पूरा पार्क की तरह बना हुआ है, यहाँ बैठ के भी आप आराम से फाउंटेन शो देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स इतनी थी ना, पूछिए मत के कैमरा में लाइट्स ही लाइट्स आ रही है, तो ठीक से वीडियो शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो फाउंटेन शो होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो लेक में होता है, लेक के अंदर, तो वो लेक में भी ऐसी बोट वगैरह है घूमने के लिए, तो उसमें टिकट्स है, उसमें 70 दिरहम पर पर्सन टिकट है। तो हम लोग तो बैठे नहीं, इतना महंगा, 4 लोग का 70 दिरहम्स बहुत ज़्यादा हो जाते, तो हम लोग तो नहीं बैठे। लेकिन आप लोग आइए, जो बैठ सकते हैं बैठिए, आराम से इंजॉय करिए, बहुत अच्छा है। और बस हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। फहद उस्मान इतना खेला, इतना चला है, वो बाहर ऐसी जगह पर आता है तो बहुत खेलता है, बहुत चलता है, तो वो थक के सो जाता है। और हम लोग भी आज खूब चले, बहुत घूमे, पहले मैं इतना नहीं घूमी थी, आज इस बार मैं बहुत घूमी, बहुत देखी अंदर सब कुछ। तो ये छोटा सा वीडियो बस आप लोग के लिए, कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और मेरे वीडियोज़ आप लोग कैसे लगते हैं ज़रूर मुझे बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। तो मैं अगले व्लॉग्स में मिलती हूँ इंशाल्लाह, जल्दी से और वीडियोस डालूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।